हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे एमपी जी की रिवीजन सीरीज़ का पार्ट 8। यह जीके सीरीज़ एमपी पुलिस, एमपी पीएससी, एमपीएसआई, एमपी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस सीरीज़ में हम केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में देखने मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं सोन व जोबट, बेतवा व बाघ नदी, जोबट व बाघ नदी, हथनी व जोबट नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोबट व बाघ नदी। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, जिसे जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, यह धार जिले में स्थित है और जोबट और बाघ नदी भी धार जिले में होकर बहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोबट व बाघ नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान से वन जीवों को गोद लेने की प्रथा प्रारंभ की गई है? आपके ऑप्शंस हैं वन विहार, कान्हा किसली, पन्ना, बांधवगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वन विहार। वन विहार में जीवों को गोद लेने की प्रथा प्रारंभ की गई है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला में है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना और छतरपुर में है, बांधव राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1999 में मध्य प्रदेश के प्रथम जैव क्षेत्रीय रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है? आपके ऑप्शन हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में पचमढ़ी क्षेत्र आता है, जिसे 1999 में प्रदेश का पहला और देश का 10वां जैव क्षेत्र घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई? आपके ऑप्शन हैं 1972, 1968, 1993, 1984। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1968। बांधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाघों की संख्या के संदर्भ में सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बाघों का घनत्व सबसे अधिक बांधवगढ़ में है, बांधवगढ़ उमरिया जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई? आपके ऑप्शन हैं 1984, 1987, 1985, 1981। इसका सही जवाब हो जाएगा 1981। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में की गई। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना और छतरपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को भौगोलिक रूप से पन्ना जिले के अंतर्गत कितने भागों में विभक्त किया गया है? आपके ऑप्शन हैं 4, 3, 2, 6। इसका सही जवाब हो जाएगा 3, तीन भागों में विभक्त किया गया है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश के किस जिले में देश तथा प्रदेश का प्रथम गौ अभ्यारण्य स्थापित किया गया है? आपके ऑप्शन हैं आगरमालवा, भोपाल, इंदौर, बालाघाट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आगरमालवा में देश और प्रदेश का प्रथम गौ अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश के दमोह जिले में दुर्गावती अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई? आपके ऑप्शंस हैं 1975, 1983, 1968, 1997। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1997। 1997 में दमोह जिले में दुर्गावती अभ्यारण्य की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में किस नदी पर सोन घड़ियाल अभ्यारण्य स्थापित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं नर्मदा नदी, सोन नदी, चंबल नदी, के नदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोन नदी। शहडोल जिले में सोन नदी पर सोन घड़ियाल अभयारण्य स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में नहीं मिलती है? ऑप्शंस हैं शुष्क मृदा, लाल मृदा, लैटेराइट मृदा, काली मृदा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुष्क मृदा। शुष्क मृदा मध्य प्रदेश में नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसे काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शंस हैं रेगुर मिट्टी, बांगर मिट्टी, खादर मिट्टी, इनमें से कोई नहीं। तो काली मिट्टी के नाम से रेगुर मिट्टी को जाना जाता है। इसे कपास मृदा भी कहते हैं। काली मिट्टी के दो नाम हैं, रेगुर मिट्टी और कपास मिट्टी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जलोढ़ मृदा का विस्तार किस भाग में पाया जाता है? ऑप्शंस हैं उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग। तो इसका सही जवाब है उत्तरी भाग में जलोढ़ मृदा का विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है। यहाँ पर चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा निक्षेपण से जलोढ़ मृदा का विस्तार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में विस्तृत जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं मिश्रित मृदा, दोमट मृदा, कछारी मृदा, बी और सी दोनों। तो इसका सही जवाब है बी और सी दोनों। जलोढ़ मृदा को दोमट मृदा और कछारी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टियों का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शंस हैं 6, 5, 4, 7। तो इसका सही आंसर है 5। मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टियों का विस्तार पाया जाता है। सर्वाधिक विस्तार यहाँ पर है काली मिट्टी का, उसके बाद लाल पीली मिट्टी, उसके बाद जलोढ़ मिट्टी, फिर लैटेराइट, फिर मिश्रित मृदा। तो ये क्रम याद रखिएगा, सबसे पहले आती है काली मिट्टी, फिर लाल पीली मिट्टी, फिर जलोढ़ मिट्टी, फिर लैटेराइट, फिर मिश्रित मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस मृदा को कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शंस हैं लैटेराइट मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल पीली मृदा, काली मृदा। अभी मैंने पहले क्वेश्चन में बताया आपको कि काली मृदा को कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है, कपास और रेगुर दो नाम हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मालवा पठार के अंतर्गत विस्तृत काली मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? ऑप्शंस हैं बाढ़ द्वारा, भूकंप द्वारा, ज्वालामुखी उद्गार द्वारा, सूखे द्वारा। तो इसका सही जवाब है ज्वालामुखी उद्गार द्वारा, मालवा पठार में काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मिश्रित मृदा का विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है? ऑप्शंस हैं मालवा, बुंदेलखंड, निमाड़, सतपुड़ा। तो बुंदेलखंड में मिश्रित मृदा का विस्तार पाया जाता है और मालवा में काली मृदा का विस्तार पाया जाता है। सर्वाधिक काली मिट्टी मालवा क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बीहड़ की समस्या के निदान के लिए केंद्र सरकार द्वारा सर्वप्रथम किस वर्ष कार्य योजना बनाई गई? ऑप्शन से 1992, 1977, 1971, 1984। तो इसका सही जवाब है 1971 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बीहड़ की समस्या से निदान पाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सर्वप्रथम योजना बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शंस हैं जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लैटेराइट मृदा, लाल पीली मिट्टी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाल पीली मिट्टी। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में लाल पीली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको हमारी MPGK रिवीजन सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।